हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साईं कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे और अपने अपने घरों में जाती हुई ठंडी का और आती हुई गर्मी का मज़ा लेते होंगे। क्या करें, यही बोलना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और जो भी मौसम है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करें और हेल्दी रहें, कोई भी बीमार ना पड़े। ये मौसम जो दो रस मौसम होता है उसमें ज़्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं, इसीलिए अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए, मेरा चाय बन रहा है, हम गर्म पानी पी रहे हैं। गर्म पानी कहाँ रख दिया? अच्छा, हॉल रूम में रख दिया। आधा ग्लास पी के आया है, अभी रखा है। हमें नींद नहीं पूरा होता। आज कल रात को हम सीरीज़ देख रहे थे, बहुत मस्त सीरीज था और देखते देखते 1 बज गया। फिर हम लोग जब से सो जाते ना तो सवेरे तो हम ऐसे ही लेट उठते हैं। चलिए कोई नहीं, चलिए चाय पीते हैं। लेकिन बैठे बैठे पैर हिला रहे इसलिए मेरा कैमरा हिल रहा है। चलिए कोई नहीं, सब आदत है सबका। चलिए जाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद दाल भिगो दिए हैं, चावल बनाएंगे, सब्जी में देखते हैं क्या है, हमको तो पता ही नहीं क्या बचा है। कल नया सब्जी वगैरह सब मंगाना पड़ेगा, ख़त्म हो गया। चलिए मिलते हैं चाय पीते वक्त। चलिए फ्रेंड्स, मेरा तो दाल बन गया है, सब्जी बन गया है, चावल बन रहा है, स्टीम राइस बना रहे हैं। उधर चाय पीते हुए नहीं दिखाए क्योंकि ये तो सेकंड टाइम चाय पी रहे हैं। उधर चाय पीते हुए नहीं दिखाए क्योंकि वहाँ पर इनका न्यूज़ चालू हो जाता है और फिर बैकग्राउंड आवाज़ आने लगता है। अभी फ़ोन आ गया मेरे भतीजे का, वीडियो कॉल में बात हो रहा है, तो हम अपने रूम में आ गए चाय पीने के लिए। बस चावल हो जाए, मेरे हस्बैंड जाएंगे नहा के, क्योंकि जल्दी जाना है उनको, 9 बज गया है। एक्चुअली इसलिए जल्दी जाना है क्योंकि इनकी स्टाफ है ना, वो बीमार है तो वो नहीं आने वाली। आके वही खोलती है शॉप, तो ऑफिस वही खोलती है, तो इस वजह से आज वो बीमार, फ़ोन आ गया कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो ये बार जल्दी भागेंगे। तो मेरा बस चावल बाकी है, बॉईल हो रहा है पानी, पानी बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद फिर चावल डालेंगे, फटाफट हो जाएगा मेरा चावल। हम धो के सोख करने रख दिए थे, इससे एक बहुत आसान, दाल और चावल सोख करके रख देते हैं ना तो ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, मतलब तुरंत बन जाता है चावल भी दाल भी। तो चलिए मेरा हो गया है, बस फटाफट चावल डाल देते, पानी भी शायद खोल गया होगा, जाके देखते आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा बीन्स था और 4 परवल थे, तो 4 परवल को बारीक बारीक काट दिया, बीन्स थोड़ा सा काट के रखे थे और आलू का सूखा सब्जी बना दिया है। हो गया, यहाँ में भी ये इसमें दाल हो गया, इसको ब्लेंड कर दिया है, चावल सोख करके रखा है, पानी भी शायद हो ही गया है, रुकिए। पानी भी खोल गया, इधर भी हमने तड़का को बना के ठंडा कर दिया है, दाल में डाल देंगे। चलिए चावल डालते, पानी खोल गया है, जब तक मेरे हस्बैंड नहा के आएंगे मेरा चावल भी रेडी हो जाएगा। कल इन्होंने एक्स्ट्रा ही ज़्यादा रोटी ले आए थे, तो चावल हम थोड़े ही बना रहे हैं कि अभी उनको चावल के साथ रोटी दे देंगे, क्योंकि फ्रूट्स सारे ख़त्म हो गए हैं। ये बोले रहने दो, मत दो, मैं कुछ बाहर से प्लेन प्लेन सैंडविच मंगा लूँगा, वो आता है ना खीरा टमाटर वाला, वो वाला बोले सैंडविच मिलता है, मैं मंगा लूँगा। बोले ठीक है, चलिए तो भर पेट इनको खिला के भेज देंगे। चलिए ये हो जाए, फिर आगे का काम करें। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सब डस्टिंग वस्टिंग हो गया है, सब जगह अंदर रूम में भी सब कर दिया है। अभी झाड़ू वाली को बोला था जल्दी आने, झाड़ू पोछा वाली, देखिए कितने बजे आती है। एक्चुअली वो 11 बजे तो घर से आती है, 11 बजे वो घर से निकलती है, कभी कभी लेट होता है। अभी उसका हाथ में प्रॉब्लम है, कल भी उसके हाथ में ये था बैंडेज, प्रेस बैंडेज बांधी थी,
स्वेलिंग था, हल्का हो गया था, लेकिन हमने बोला था ये देख जैसा हो वैसा करना, ज़्यादा प्रेशर देके काम मत करना अगर काम पे आइए, क्योंकि बोली भाभी मेरा छुट्टी भी बहुत हो गया, क्या करूँ, घर में भी मन नहीं लगता है। इन लोग का आदत है ना, जो इन लोग का क्या, जो भी वर्किंग वाले हैं चाहे वो कैसा भी काम करते हों, वो घर में नहीं बैठ सकते। हमको ही देख लीजिए, हम हाउसवाइफ हैं, हमको घर से ज़्यादा निकलने का मन नहीं करता है। बहुत रेयर कहीं जाना हो ना तो हस्बैंड या बेटा के साथ जाएंगे, अकेले जाना हो ना तो बहुत रेयर जाते हैं, वरना हम घर से निकलने का हमको एकदम मन ही नहीं करता, घर पे ही भर के रहे बस ऐसे ही है। इस वजह से थोड़ा हम होम सिकनेस ज़्यादा फील करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कम्फर्ट जोन में ज़्यादा रहते हैं, ऐसा है, लेकिन सबका ऐसा नहीं है। चलिए कोई नहीं, सबका अपना अपना नेचर है। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड अभी गए ऑफिस, निकल गए तो हमने डस्टिंग वस्टिंग कर लिया, अभी थोड़ा हम एक्सरसाइज कर रहे थे, वो सीढ़ी वाला एक्सरसाइज होता है ना, अप स्टेज चढ़ना उतरना, वो हमने 100 टाइम्स 2 बार कर लिया है। हल्का फुल्का ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहते हैं। अब पैर में दर्द रहता है तो नहीं करते, रहता है तो, पैर में दर्द नहीं रहता है तो हम करते हैं, अगर रहता है दर्द पैर में बैक में तो नहीं करते। बेटा जी उठा के आए हैं, उठा नहीं है, चलिए मेरा हाथ थोड़ा गर्म पानी पी लें, उसके बाद फिर हम नहाने जाएंगे। और कल मेरा मेन काम रहेगा, कल बहुत काम रहेगा। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब हम सब काम फ्री करके, मतलब नहा धो के फ्री होके आ जाएंगे, जब खाने बैठेंगे तब आपसे मिलते हैं। चलिए चलिए फ्रेंड्स, हम तो नहा के आ गए हैं, बेटा को बोले जाओ नहाओ, फिर हम लोग खाने जाएंगे। बालकनी में खड़े हैं, कितना अच्छा धूप आ रहा है, दोनों रूम में, ये बालकनी, ये बेडरूम में, और जहाँ बेटा लेटा है वो दोनों, वो बेडरूम में, बहुत अच्छा हवा, भाई धूप अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा बहुत चल रही है। देखिए मेरा पेड़ पत्ता, ये खूब तेज़ हवा चल रहा है, बहुत तेज़ हवा है, ठंडी ठंडी, बट ये धूप अच्छा लग रहा है। तो हम नहा के अभी जस्ट आए हैं, तो मैं चलो धूप सेक लेते हैं, उसके बाद फिर बेटा नहा के आएगा तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। भूख तो नहीं लगा है, जब तक बेटा नहा के आएगा तब तक भूख लग ही जाएगा। मौसम बहुत अच्छा है, चलिए आपको दिखाते हैं मौसम मेरा कैसा है। किसी का शादी हुआ था तो कार आया है, शादी हुआ है कि शादी में जाने वाले हैं, ऐसा दुल्हन की तरह सच के कार आया है। आपको बाहर का दिखाते हैं, मौसम कितना अच्छा लग रहा है, रह रहे के हवा चल रहा है, देखिए देखिए मौसम कितना खिला हुआ है, कितना मस्त मौसम है। हवा रह रहे के चल रही है तो मज़ा आ रहा है, धूप सेक रहे हैं, थोड़ा गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गर्म गर्म धूप। चलिए सेक ले फिर जाते हैं काम करने, खाना खाने। मेरे को ये वाला मौसम बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हर साल हम यही मौसम का वेट करते हैं, शरद गर्म जो मिक्स रहता है, बसंत पंचमी के बाद से जो चालू होता है मौसम, होली तक, होली के मतलब रामनवमी तक मेरे को ये मौसम अच्छा लगता है, उसके बाद क्या है प्रॉपर गर्मी चालू हो जाता है। ये मौसम और ये धूप मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, मन करता है यहीं पे हम पिकनिक, इसी टाइम में पिकनिक जाने का मजा है। बट कोई नहीं, इस समय बच्चा लोग का एग्ज़ाम का टाइम रहता है, कहीं नहीं जा सकते। 2 दिन पहले प्लांट में पानी डाला था, वापस डालना पड़ेगा प्लांट में पानी। चलिए देखिए बेटा नहाया कि नहीं नहाया, नहा लिया होगा तो फिर हम खाने के लिए जाए, नहीं तो हम ही जा रहे खाएंगे। गया नहीं नहाने, जाओ ना, भूख लग रहा है, हम जा रहे खाने, तुम आओ फिर नहा के, नाश्ता करते नहीं है, डायरेक्ट खाना खाएंगे, खाने में वही है। कल रोटी एक्स्ट्रा, मतलब 30 रोटी लाते थे मेरे हस्बैंड, लेकिन वो कल ज़्यादा ही रोटी दे दिया, 30 से ज़्यादा ही दे दिया, तो रोटी भी हम भी रोटी खा लेंगे, चावल रहेंगे तो रात को मेरे हस्बैंड खा लेंगे, मेरे को इच्छा नहीं है। हम खा लेते हैं रोटी जो सूखी सब्जी बनाए वो, और क्या ले, टमाटर काटे क्या, चलो कोई नहीं, टमाटर नहीं काटते हैं, ऐसे खा लेंगे, चलेगा। कल वाली सब्जी थोड़ी सी बेटे के लिए रख दिए थे,
क्योंकि वो भुजिया खाएगा नहीं, तो न्यूट्री लाजलू जो बनाए थे वो उसके भर कर रखा हुआ है उसको, रोस्टेड, हाँ रोस्टेड पापड़ देने थे, कल मांग रहा था हमने दिए थे जो हम उस दिन बनाए थे ना अचार, तेल और लाल मिर्च लगा के, उसको बहुत अच्छा लगा था। तो बोले चलिए हम अपने लिए सेक लेते हैं, हमको भूख लग गया है। भाई साहब नहाते नहाते 12 तो बजने वाला है, 12:30 कर देंगे, इनका 5 मिनट होता नहीं है। चलिए हम खा लेते हैं, खाते हैं, खाते वक्त मिलते हैं आपसे। बेटा को बोला नहाओ, बोले 15 मिनट में नहाता हूँ, मेरे को भूख लग गया है, चलिए हम खा लेते हैं। खाने के बाद फिर कपड़ा, नहा के निकले तो कपड़ा वॉश करें, फिर वो सुखाएं, और फिर तो जो सूखा बर्तन है वो रखना है मेरे को अपनी अपनी जगह। उसके बाद तो फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा अभी का। चलिए क्या खा रहे आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंच बीन्स, आलू, परवल की भुजिया बना दिए थे, सूखी सब्जी। ये कल पुदीना, आंवला, धनिया, लाल मिर्च बोलते हैं, हरी मिर्च की चटनी बना दिए थे। ये मूंग दाल वाला पापड़ है, क्या करें मेरे को 2-3 आइटम खाने का आदत है, मतलब सब्जी ये सब सलाद वलाद, तो बिना प्याज के हमको सलाद नहीं भाता है, तो हम अभी सलाद खा ही नहीं रहे। कल रोटी एक्स्ट्रा ले आए थे तो हम अपने लिए 4 रोटी ले लिए, बच्चा के लिए 7 रोटी रख दिए, वो उससे भी कम खाएगा देखिएगा, फिर भी चलेगा, 7 रोटी है, दाल है उसके लिए। चलिए हम ये खा लेते हैं फिर आगे का काम करें, मिलते हैं खाने के बाद। चलिए सब काम वाली काम करके चली गई, बेटा ट्यूशन चला गया, और मेरे को ठंडी लग रही है बहुत, हवा चल रहा है ना, और ये दरवाज़ा रूम का बंद नहीं कर सकते। भाई साहब ये 2 जो कबूतर परेशान किए हुए हैं, नाक में दम कर दिए हैं मेरे। अभी वहाँ से रूम से मतलब बालकनी से इतना ठंडा हवा आ रहा है, हम तो पंखा भी बंद करके सोए हैं। देखिए दिख रहा है पंखा भी बंद है, क्योंकि हमको बहुत ठंडी लग रही है। 2-3 दिन से जो मौसम पलटवार किया है ना, वापस मौसम में ठंडक आ गया है, मेरे लिए तो बहुत परेशानी वाला दिन है बाबा। मेरा स्किन ड्राई होने लगता है, उसके बाद जो ये और रह रखे सिहरन वाला ठंडी लग रहा है, कंबल उड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुमको इतना ठंडी क्यों लग रहा है, क्योंकि ये लोग AC ऑन करके सो रहे हैं। सोचो फुल फैन AC, ये लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ फ़ैन चालू कर रहे हैं, हम तो उल्टे ही आ जाते हैं, मतलब बाप रे हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो ये बोले तुम एक बार दिखा दो डॉक्टर को, तुम बीमार पड़ने वाली हो या बीमार हो अंदर से। अच्छा है तो हाँ, बीमार तो बीमार ही सही, बीमार पड़ के भी क्या फ़ायदा, कोई करने वाला नहीं है, तो भी अपने करो, ये तो दुनिया की दस्तूर है भाई, क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना बैठ के सीरीज़ देखते हैं, मेरा फेवरेट सीरीज़। हाँ चलिए आपको बताते हैं कौन सा है। बागी नाम का सीरीज़ है, वो बहुत ही मस्त है। अभी तक हमने 6 एपिसोड देख लिया है, बहुत है, लंबा एपिसोड है, लेकिन वो बहुत मस्त है, मतलब अच्छा लग रहा है हमको देखने में। शायद आप लोग भी सर्च कीजिए बागी सीरीज़। चलिए मिलते हैं देखने के बाद, तब तक बेटा भी आ जाएगा, अभी तो गया है ट्यूशन 2 बजे से, मतलब कितना 1:30 बजे गया है, 1:30-2 बजे गया है, 1.5-2 घंटा बैठाएंगे तो आते आते 4 बजाएगा। चलिए हम जब तक अपना काम करते हैं मिलते हैं बाद में, कंबल ओढ़ के अपना सीरीज़ देखेंगे। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा तो काम शुरू हो गया है, सब्जी बनाना चालू कर दिए हैं, फूल गोभी, आलू, मटर की सब्जी, और रोटी तो मेरे हस्बैंड ले ही आएंगे, हमने छौंक भी दिया है, जब बन जाएगा तब आपको दिखाएंगे, क्योंकि सिंपल एंड इजी वे में बन जा रहा है अभी, कोई टेंशन नहीं है। और इतना हवा चल रहा ना, स्किन ड्राई हो गया, तो हम ये कोकोनट ऑयल है, इसमें हम कपूर डाल के रख दिए थे धूप में, तो अच्छे से कोकोनट में कपूर एब्जॉर्ब हो गया, तो अब हम वो स्किन मतलब हाथ पैर में लगा रहे हैं, एकदम मेरा ड्राई से ना फटने लगता है, हवा चल रहा है और चारों तरफ से तो बंद है,
हम शॉल स्वेटर लेके नहीं बैठे हैं क्योंकि चारों तरफ से बंद है, पंखा भी नहीं चालू है। पंखा चालू होता है तो हम अपने रूम में चले जाते हैं, कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं। बट हाँ, खिड़की खुलेगा ना बहुत ठंडी, ऐसे भी ठंडी लग रही है बट खिड़की खुलेगा तो ज़्यादा ही लग रहा है। हमने बोला मत खोलो बेटा, बहुत ठंडी लग रही है मेरे को अभी तो, क्या तेल लगाना था इसीलिए कुछ नहीं पहन सकते हैं, शॉल स्वेटर उसमें लग जाएगा, तो चला लेते हैं। चलिए मेरा सब्जी बन जाएगा तब मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड्स खाने बैठे हैं, ये मटर फूलगोभी आलू मटर की सब्जी, ये आंवले की चटनी, ये सुबह की जो थोड़ी सी भुजिया बची थी थोड़ा सा हम ले लिए, थोड़ा मेरे हस्बैंड को दे दिए, रोटी घी वाली, और ये मूंग दाल की पापड़। चलिए हम यहाँ दिखाने आए हैं रूम में, अब जा रहे हैं हॉल रूम में बैठ के खाएंगे सबके साथ, क्योंकि वहाँ में फुकरे 3 दे रहा है तो वो हम देखने जा रहे हैं, प्रीमियर दे रहा है। तो चलिए सबके साथ बैठ के खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको खाने के बाद। चलिए फ्रेंड्स मेरा मूवी भी ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में, बहुत मज़ेदार मूवी है, आप लोग ने तो शायद हॉल में देखा है, हम तो हॉल में जाते नहीं बहुत कम, बहुत बहुत मतलब लास्ट मूवी कहाँ कब देखी थी, कौन सी देखी थी हमको वो भी याद नहीं है, क्योंकि मेरे को सब में हॉल में 3 घंटा बैठने से अच्छा है घर पे आराम से काम करते करते देख लो, बहुत मस्त मूवी है। फुकरे 1st भी देखे, 2nd भी देखे, 3rd भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए मेरा तो हो गया सब काम, और मेरे हस्बैंड गए, हमारे बिल्डिंग का मीटिंग है तो मीटिंग में गए हैं, बेटा भी जस्ट उतरा है 1/2 घंटा के लिए, बोला मम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ, हम बोले जाओ चलो कोई नहीं। चलिए कल मिलते हैं, ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे खूब अच्छे अच्छे और बहुत सारे कमेंट्स करें और ढेर सारा प्यार दें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय।